नमस्कार, हमारे YouTube चैनल रतनगढ़ धार्मिक में आप सब भक्तों का स्वागत और मैं रतन वर्मा आज फिर एक नया कार्यक्रम लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज ये प्राचीन श्याम मंदिर, ये प्राचीन श्याम मंदिर लगभग भी 56 साल पुराना है। कभी सत्यनारायण जी धरड़ यहाँ सेवा किया करते थे, स्वर्गीय श्री सत्यनारायण जी धरड़, और आज वर्तमान के अंदर इनके लड़के हैं प्रदीप जी धरड़, ये इस मंदिर की सेवा करते हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लगभग भी 56 साल पुराना मंदिर है ये, और आज यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये सामने जो आप देख रहे हो, ये दिखाना भाई साहब इधर, ये जो सामने आप मूर्ति देख रहे हो श्री हनुमान जी की मूर्ति, इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये करंट वाले बालाजी महाराज मंदिर यानी जो सदार्थ से रोड पर है वहीं ये मूर्ति जा रही है। प्राचीन श्याम मंदिर से रवाना होकर के घंटाघर होते हुए सीधे वहाँ सदाशर बाईपास रोड पहुँचेगी जहाँ करंट बालाजी का मंदिर है। 51,000 लेकर के शोभा यात्रा निकल जा रही है। देखो आप थोड़ा इनको दिखाना, देखो ध्वजा लिए ये गृहणियाँ रवाना हो रही है। बहुत ही सुंदर सुंदर उन्होंने परिधान पहन रखे हैं और आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही अच्छा है। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा यात्रा, देखते रहिए हमारे चैनल रतनगढ़ धार्मिक। ये यहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ हो रही है, मैं रतन वर्मा, और ये सारी कलश यात्रा करंट वाले बालाजी सदार शहर रोड पर जो मंदिर नया निर्माण मंदिर हुआ है वहीं ये कलश यात्रा घंटाघर होते हुए जाएगी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। और मैंने आपको जो मूर्ति दिखाई है वो मूर्ति जयपुर से यहाँ ला कर के मंदिर में विराजमान आज करेंगे, और आज ही रात्रि को SPG वर्मा जी के द्वारा यहाँ श्री श्याम कीर्तन का भी कार्यक्रम होगा, वो भी मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा एक बार। और ये गृहणियाँ बाहर कलश को सिर पे लिए हुए खड़ी हैं, और अभी थोड़ी देर के पश्चात यहाँ से शोभा यात्रा रवाना होगी। और हमारे साथ आए हैं पिंटू जी धड़, मैं इनको पहले नमस्कार करता हूँ और थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी दे दूँ। पिंटू जी धड़ प्रदीप जी धड़ के लड़के हैं। प्राचीन श्याम मंदिर के अंदर जैसे ही मूर्ति पहुंची, इन्होंने मूर्ति का बहुत ही मेहनत से लगन से श्रृंगार किया है, अपने हाथों से श्री बालाजी महाराज को माला भी पहनाई है। और थोड़ी सी इनसे जानकारी लेते हैं कि आज का क्या कार्यक्रम है वहाँ करंट बालाजी में, कल क्या होने वाला है। कार्यक्रम रतनगढ़ में आस्था का एक प्रतीक है, उसके अकॉर्डिंग कल शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर करंट बालाजी धाम में भव्य प्राण मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसकी शोभा यात्रा आज प्राचीन श्याम मंदिर से निकलेगी। नगर भ्रमण करते हुए ये वहाँ पहुँचेगी। शाम को विराट भजन संध्या है जिसमें जाने माने कलाकार वहाँ भजनों की प्रस्तुति देंगे। भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद बाबा का स्वामिनी का प्रोग्राम है, इसमें सभी भक्त प्रसाद ग्रहण करेंगे। जय श्री बालाजी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये जो मूर्ति है कल प्राण प्रतिष्ठा होगी, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी वो भी मैं कार्यक्रम आपको दिखाऊंगा। सीताराम जी टेलर जो हमेशा भक्ति भाव में लगे रहते हैं, कोई भी धर्म कार्य होता है हमेशा ये आगे रहते हैं, और आज भी प्राचीन श्याम मंदिर आए हैं, तो सीताराम जी से मैं जानकारी लेना चाहूँगा। सीताराम जी, आज आप ये कार्यक्रम देखने के लिए आए हो, तो ये जो शोभा यात्रा निकल रही है आप वहाँ तक करंट बालाजी मंदिर तक जाओगे, थोड़ी दूर जाओगे आप? थोड़ी दूर जाओगे क्योंकि लंबा रास्ता है। बहुत सुंदर मूर्ति है, मैंने आपको मूर्ति के दर्शन करवा दिए, आगे भी मैं आपको मूर्ति के दर्शन करवाता रहूंगा। माटोलिया जी जुड़ गए हैं, आपका शुभ नाम क्या जी? निर्मला माटोलिया। देखो निर्मला माटोलिया जी ये भी धर्म कार्य में हमेशा आगे रहते हैं, आज इनसे जानकारी लेते हैं कि इतनी लंबी यात्रा करेंगे, तो लंबी यात्रा जब करते हैं तो इनको कोई तकलीफ या कोई ऐसा क्या महसूस होता है आपको बताइए? तो आनंद महसूस होता है, हमें आनंद। और ये चांडक जी, तो आप जैसे जा रहे हो इतनी दूर, तो आपको क्या महसूस होता है? हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कितनी दूर, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। हमें तो बहुत दूर है यहाँ से, अच्छा कितना ही दूर हो लेकिन हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें तो मस्ती में झूमते हुए चलेंगे। तो कितने निशान है?
लगभग 51 साल 51 हाँ ठीक है जी। देखो ये गृहिणी अपना सब घर का काम छोड़ करके सभी आ रही है, और मैं और भी किसी से बात करना चाहूँगा, बोलोगे कुछ आप? देखो शर्म भी आ रही है क्योंकि लेडीज को है, आप इतनी दूर जा रही हो, कुछ थकान कुछ नहीं? नहीं कुछ कुछ है, कुछ थकान नहीं है, भगवान की कृपा है, बहुत आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है बहुत ही। घर से सब काम छोड़ छोड़ के यहाँ आए हैं, खुशी हो है, बहुत ही खुशी हो है, काम में तो बढ़िया है, हाँ एकदम खुशी है। कहते हैं कि ऐसा काम मिलता क्या है, इस काम के लिए हमें बहुत खुशी होती है, बहुत ही खुशी हो रही है हमारे तो, बहुत बढ़िया। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो बहुत ही खुशी हो है। कहते हैं जी महाराज की ध्वजा लेके चलने में हमें बड़ी खुशी होती है, और मैं भी जब इस प्रकार के जब कार्यक्रम दिखाता हूँ मुझे भी मन से तन से बहुत आनंद आता है, इसीलिए मैं इस प्रकार के कार्यक्रम बनाता हूँ। लेने में ध्वजा लेने में बहुत आनंद आया, बहुत। तो आप कितने, आपने कलश यात्रा कितनी बार की बता सकते हो? बचपन से ले रहा, बहुत याद ही नहीं है कब से ले रही। देखो कलश यात्रा के बता रहे कि बचपन से लेके आज तक कलश यात्रा करूँ मुझे याद भी नहीं है, कोई भी कलश यात्रा हो छोटा है नहीं। शुभ नाम क्या आपका? कांता। कांता हाँ। देखो कांता जी कह रही आज तक कोई भी यात्रा हो कलश यात्रा मैं नहीं छोड़ती हूँ। लो एक भक्त और जुड़ रहे हमारे साथ में, आप कुछ बोलोगे? देखो ये जो मूर्ति है ये अभी करंट बालाजी वहाँ जा रही है, और कल वहाँ मूर्ति को विराजमान करेंगे, और आज ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तो आज जब ये यात्रा आप कर रहे हो तो मंदिर काफ़ी दूर है, मेरे ख्याल से यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर है, तो आप इतनी दूर की यात्रा करोगे तो आपको कोई थकान वगैरह क्या महसूस होता है? कुछ नहीं होगा, कुछ भी महसूस नहीं होगा, मैं ससुराल से आई हूँ। अच्छा स्पेशली यहाँ के लिए? हाँ यहाँ के लिए। आपका क्या नाम है जी? आपका अंजना। अंजना तो ये मूर्ति जब आपका घर कहाँ से गया, यहाँ वहीं है क्या? वहीं पास में ही है। बहुत खुशी हो रही है आपको? हाँ बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ऐसे कार्यक्रम के लिए औरतों को बड़ी खुशी होती है, और इनके धर्म कार्य के कारण ही इनको पतियों को धन और लाभ मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं रत्नगढ़ धार्मिक कार्यक्रम चलाता हूँ तो मैं ऐसा देखता हूँ कि जो गृहणियाँ अत्यधिक भगवान के कार्यक्रम में लीन रहती है उनको यहाँ धनलक्ष्मी की कमी नहीं होती है, ऐसा मेरा मानना है। देखो और भी भक्त उधर से आ रहे हैं, थोड़ा दिखाना उधर से। और हाँ जी आप क्या कह रहे थे आंटी जी? अब आनंद लेंगे, बड़े बाबा के जाएंगे, हाँ खुश। तो ये जो यात्रा आप कलश यात्रा करते हो, आप कितनी बार आपने कलश यात्रा की है? 3-4 बार ले लिया। हाँ क्या कैसा लगता आपको? बहुत आनंद आया, मैं तो नाचती हो रहा हूँ। क्या बात है, देखो जी कह रहे हैं कि मैं तो नाचती हो रहा हूँ, और अब जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हो तो आपको भी झूमना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु श्री बालाजी का कार्यक्रम है, बालाजी की मूर्ति का कार्यक्रम है। हमारे रतनगढ़ के लिए बड़े गर्व की बात होगी कि जब ये जो कल पुण्य है, बाबे की बहुत बड़ी पुण्य है, और इस पुण्यों को मतलब क्या है कि वहाँ श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना होगी, और ये भक्त और है, आप भी बताइए जी। कुछ है कुछ होता ठीक है जी, एक बार कट कर दो। हाँ जी ये भक्त हमारे साथ एक और जुड़ गए हैं, इनकी इच्छा है कि बाबे के लिए कुछ कहना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हो बाबे के लिए, कुछ कहोगे आप? भाई मैं तो बोलने आया कौन नहीं, कुछ तो बोलो ये बोलो बाबे। देखो एक बात मैं आपको बता दूं जी, मैंने जब से ये 3 साल से धार्मिक चैनल में चला रहा हूं तो मैंने एक चीज़ देखी है कि प्रभु जो है ना श्री भगवान ये चुनता है आपको, आपको इस कार्य के लिए चुना है तब यहाँ आयो, वरना और जो औरतें हैं वो यहाँ नहीं पहुँची है, आपको भगवान ने चुना है, आप पर कितनी कृपा है कि तब आप कलश की यात्रा लेकर के कलश यात्रा करो और इतनी दूर की आप यात्रा करोगे, हर किसी के बस की बात नहीं है भगवान के काम में भाग लेना, ये किस्मान है। कहते हैं कि एक कलश यात्रा कर लो तो आपके काफ़ी जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसे को ले लेने तो पूरा घर ही तिर जाए। कहते हैं जी एक कलश को अगर ले ले तो पूरा कई दिन बरसात आ जाओ तो मैं तेरा और तो भगवान जाने और भी भक्त तेरा हमें। अच्छा अच्छा हो, इनका कहने का मतलब ये जी इनका घर नीचा है, जो पानी इनके घर में आ जाता है तो कहते हम तिरते हैं, इनका कहने का मतलब भगवान की कृपा ही मानो। अच्छा अच्छा तेरा ही है की हमसे, तो वो कभी कृपा होगी मकान अपने आप ऊंचा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, परमात्मा गई। और भक्तों से आपको मिलाएंगे। देखो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं जी प्रदीप जी धरड़, इनके पिताजी सत्यनारायण जी धरड़ जो इस मंदिर को संभालते थे स्वर्गीय, और ये मंदिर भी मैंने आपको बताया लगभग 56 साल पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है ये, और श्याम बाबे की पूरी इनके ऊपर कृपा है, प्रदीप जी के ऊपर, और आज यहीं से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, और ये मंदिर के मालिक भी है,
आज इनसे मुलाकात करते हैं, जानकारी लेते हैं कि आपके यहाँ से ये शोभा यात्रा निकल रही है तो आपको क्या महसूस होता है? मैं एक धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ और लोइनवाद से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है तो मन में अति उत्साह है, उमंग और तरंग सी एक अपने आप ही स्वतः ही प्रज्वलन हो जाती है। और प्राचीन श्याम मंदिर में हर साल ये आयोजन होते रहते हैं, तो हमें तो इस कार्यक्रमों का ऐसा लगता है कि हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ा ये उपलब्धि है जो श्याम बाबा ने हमें ये अवसर प्रदान करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ जब भी ये ऐसे अवसर आएँ तो प्राचीन श्याम मंदिर से हमें आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। जय श्री श्याम, जय करंट बालाजी, जय श्री श्याम। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जी, आपने हमारे को इतना समय दिया, और भी भक्तों से मिलेंगे, देखते हैं, बातें करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, श्री बालाजी महाराज की ये यात्रा कर रहे हो, कुछ बोलोगे आप कुछ? हाँ जी, ये शर्म कर रहे हैं थोड़ी सी। देखो आप श्री, आप मतलब क्या कि पैदल की यात्रा कर रहे हो, कलश यात्रा कर रहे हो, आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। और ये कलश यात्रा करने मतलब ये समझ लो कि एक बार जब कलश यात्रा कर लेता है ना, घर का जितने पाप हो सारे नष्ट हो जाते हैं, ऐसा हमारे को भी माता जी ने बताया था। तो आप ये आज ये यात्रा कर रहे हो, आपको कैसा महसूस होता है जी? वैसे मानव मात्र में मैंने अभी तक अपनी उससे मैंने कभी कोई पाप मतलब किसी कोशिश नहीं की है, पर ये मेरे जेठ जी हैं जो एक मंदिर बनवा रहे हैं, संकट मोचन हनुमान जी, और मैं उनकी भाई की पत्नी हूँ सुमन पारेख, और धर्म की सेवा के लिए और रतनगढ़ के लोगों के लिए कि वो शांति से अपने वहाँ जाकर अब शांति ग्रहण कर सकें और धर्म के प्रति उनकी आस्था बढ़े, यही हमारा एक। देखो संकट मोचन ने ये मंदिर का जो निर्माण जो है उसका नाम रखा जी करंट बालाजी, करंट वाले बालाजी। हाँ, आप कहाँ से हो वैसे? मैं यहीं से, रतनगढ़ की बहू हूँ मैं। हाँ जी, अच्छा, श्याम जी के छोटे पारिक जी की पत्नी हूँ। अच्छा, सुमन पारिक। बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलकर के, आप भी कुछ बोलोगे जी? बहुत, मैं पहली बार ऐसे किसी आयोजन का हिस्सा बन रही हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कलश यात्रा मेरी जिंदगी की पहली यात्रा हो रही है जी, देखिए पहली बार मैं ऐसा कुछ आयोजन में कर रही हूँ और बहुत शांति मिल रही है, बहुत खुशी मिल रही है। हालांकि मैं रतनगढ़ से नहीं हूँ, लेकिन मतलब कहीं दूर से होके भी मैं यहाँ का। हाँ जी जी, आप कहाँ रहते हो आप? मैं पंजाब से हूँ। हाँ जी, पंजाब में कहाँ से जी? जीरकपुर। तो थोड़ा पंजाबी से भी आने दो, गलत उसी। मैं हूँ मारवाड़ी, मेरी शादी पंजाबी में हुई है। आपसे पंजाबी से गल कराएंगे जी? अरे बड़ा मज़ा आ रहा है एक्चुअली। अभी तो जैसे पहले हवन का प्रोग्राम हुआ था वगैरह, और अभी मैं थोड़ी सी तकलीफ है, मेरे चोट भी लगी हुई है। देखो इनके पैर के चोट लगी हुई फिर भी ये कलश यात्रा कर रहे हैं, इससे बढ़िया इससे अच्छी और क्या बात होगी, इससे अच्छी भगवान की शक्ति का और क्या प्रमाण होगा जी। देखो एक बार दोबारा दिखाना जी, पैर की चोट, इनके पैर की चोट लगी हुई फिर भी ये कलश यात्रा कर रहे हैं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के। मैं ये चाहूँगा कि रतनगढ़ धार्मिक चैनल से आपको तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी आपका। ठीक ठीक जी। लो जी, आप तो पंजाब से आए थे, कितों जी? पंजाब से कहाँ से जी? पंजाब से जीरकपुर। तो ये तोड़े की लग देने? ये मेरी बहू लगती है, ये मेरे समधी लगते हैं सारे। तोड़ी बहू है? हाँ, ये मेरी बहू है। तो आज तुसी यात्रा करो, कलश नहीं लिखा तुसी? कलश नहीं मैंने लिया। की गल, कलश क्यों नहीं लेता तुसी? ले लांगे, हुने ही पढ़ लांगी मैं। कदे कलश यात्रा कीती है तुसी? नहीं, मेरी ये फर्स्ट टाइम है यात्रा। अच्छा, पंजाब च इस टाइप दा हुंदा है? होते तो हैं पर मैंने नहीं अटेंड की है। अटेंड नहीं किता? हां मैं। की नाम तोडा? मेरा सुखविंदर है। आज तुहानू किवें लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है। अच्छा पंजाबी में बोलूं? बड़ी शांति मिल रही है मैनू इत्थे। देखो साडे जेड़े बहू कहंदी तुसी चलना ही जरूर है, मैं कहा ठीक है मैं जरूर चलूंगी, नाले इस तो अच्छा की अवसर मिल सकता है जे धार्मिक देखने। देखो जी, ये धार्मिक बातें, धार्मिक विचार के जो लोग मिलते हैं, ऐसी बातें सुनाते हैं, बहुत आनंद आता है। जब आप कार्यक्रम देखते हो तो आपको भी बहुत आनंद आएगा, अच्छा लगता है। तो एक हमारे साथ दीदी और जुड़ गए हैं, थोड़ा सा कुछ इनको शर्म आ रही है, चलो कोई बात नहीं। और भी कोई भक्त, आप बोलो कुछ भगवान के लिए कुछ? हैं ठीक है जी, ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं सभी को। ठीक है जी, हाँ ये हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पधारो मारे
आंगणिए पधारो, थारी में बोलो। एक बार जितने भी भक्त कुर्सियों पे विराजमान हैं, पूरे पूरे हाथ उठा लो, एक बार सीधे पूरे हाथ उठा लो जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो भी, और एक जोरदार जयकार बोलिए करंट बालाजी महाराज की। मिलकर ताली बजा कर बाबा की हाजिरी लगाएंगे। आसिनो बालाजी मने पधारो मारे प्रभु श्री राम के कारण सिद्ध किए, और जब तक राम प्रभु का नाम ना हो कीर्तन में बालाजी महाराज प्रसन्न नहीं होते। विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस।